हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में नए सत्र के लिए वीरवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आज से फॉर्म लिए जाएंगे। प्रवेश के लिए 20 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। वहीं नए सत्र के साथ ही राजनीतिक पार्टियां फिर से सक्रिय होने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों के नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है। वीरवार को प्रोस्पेक्टस बिकने का पहला दिन था। हालांकि एडमिशन फॉर्म शुक्रवार से ही लिए जाएंगे। इस बार प्रशासन ने सभी कॉलेजों में टीचर्स की गाइडेंस कमेटी गठित की है, जो बच्चों की मदद करेंगे। लेकिन नए नियमों के तहत 20 जून के बाद कोई एडमिशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। हमने गाइडेंस ब्यूरो लगा रखा है कॉलेज में, टीचर्स की एक कमेटी बनी है, वो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट्स को, न्यू कमर्स को गाइडेंस दे रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, क्या क्या, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत पड़ेंगी। बाकी स्टूडेंट्स को हमने पहले ही बता दिया है, वो प्रॉस्पेक्टस ले लें, उसको ले जाएं और एक एक पंक्ति उसकी पढ़ें। उसमें सारे रूल रेगुलेशंस जो है रूसा के बारे में हमने उसमें क्लियर कर रखा है। 20 तारीख के बाद एडमिशन्स कोई नहीं होंगी, फॉर्म कोई भी नया फॉर्म नहीं लिया जाएगा, तो 20 तारीख तक ही फॉर्म सबमिट होंगे। उधर नए सत्र की शुरुआत के साथ ही छात्र राजनीति ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। आज शिमला के कॉलेज में छात्र दलों ने रूसा प्रणाली के विरोध में एक बार फिर से विरोध किया और इसे वापस नहीं लेने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एक धरना प्रदर्शन किया गया, विश्वविद्यालय प्रशासन व राज्य सरकार, राज्य सरकार से प्रदेश में रूसा सिस्टम लागू किया गया है पर्याप्त संसाधन न होते हुए, जिससे बहुत सी मुश्किलें छात्रों को आ रही है। और आपको उसके बाद पता होगा कितनी अधिक फीस वृद्धि कर दी गई है। निम्न मध्य वर्ग का छात्र बिल्कुल शिक्षा से वंचित सा होता जा रहा है और बहुत सी मुश्किलें छात्रों को करनी पड़ रही है। और यहाँ पे रूसा सिस्टम छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार पर रोक लगा के, जिस तरह से छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए हैं, अगर रूसा सिस्टम को बिल्कुल रोल बैक अगर नहीं भी करना है तो अगर जिस तरह से सिस्टम को लागू किया है उतने संसाधन भी होने चाहिए। सरकार के पास संसाधन तो नहीं है, बट एक सिस्टम ला दिया गया है। नए सत्र के साथ ही छात्र राजनीतिक पार्टियां फिर से सक्रिय होने शुरू हो गई हैं। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।